आपके जीवन में हार और असफलताएं आपको बेटर बना सकती हैं या बेटर बना सकती हैं। यह आपको चुनना है कि इनकी वजह से आप हमेशा पीड़ित रहेंगे, उदास रहेंगे, परिस्थितियों को कोसेंगे या उनसे सीख लेकर दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। ये आपको चुनना है कि इनकी वजह से आप कमजोर होंगे या और मजबूत होंगे। तो सवाल ये है कि क्या इसे आप खुद चुनते हैं या ये सिर्फ एक मानसिकता है। जीवन में जीतना या हारना आपकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जीवन में आप वास्तव में जीत सकते हैं या हार सकते हैं इसका पूरा क्रेडिट आपकी सोच को जाता है। जब आप कोई सोच रखते हैं तो धीरे धीरे वे आपके दिमाग में घर बना लेती हैं। सोच अगर पॉजिटिव है तो आपको आंतरिक ऊर्जा मिलती है, और अगर नेगेटिव है तो आपके मन में डर पैदा कर देती है, जिससे आप कमजोर कमजोर और अधिक कमजोर बन जाते हैं। ज्यादातर हारे हुए लोग उदास क्यों हो जाते हैं, क्यों थक कर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनमें सकारात्मकता की कमी आ जाती है। आपकी मानसिकता को इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बचाना होगा, नहीं तो आप नहीं आपकी परिस्थितियां आपकी मानसिकता को डिसाइड करना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए, जिस घड़ी आपकी मानसिकता परिस्थितियों का शिकार हो गई, आपका जीवन में सफल होना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी सकारात्मक सोच को आपके परिस्थितियों की आंच ना आए, इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। परेशानियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको उनके सामने झुकना नहीं है, कभी हार नहीं मानना है और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। हार सिर्फ एक लेसन है जिससे आपको सीखने की जरूरत है। सीखो, प्रैक्टिस करो और दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ो। कभी पछतावा मत करो, कभी हार मत मानो, क्योंकि जिद है जीतने की। जय हिंद।